साधारण अक्षर मात्र मत समझो। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना है? जी जी, वाल्मीकि, उन्होंने महाभारत लिखी थी ना? हाँ, कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं वाल्मीकि जी ने महाभारत लिखी थी। रामायण लिखी? आप जानते हैं जब उन्होंने रामायण लिखी थी, रामायण से पहले वो क्या थे? वो एक चोर थे, दक्षु थे। जब एक बार जंगल में चोरी करने के लिए गए थे, उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारद जी से भी उन्होंने बोले, बोले बाबा निकालो क्या तुम्हारे पास माल पत्र है? तो संत थे, संत के पास तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि तुम जो इतने पाप कर्म कर रहे हो, चोरी चकारी, ये सब पाप कर्म है। ये पाप कर्म करके तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए। और तुम्हारे परिवार में क्या इसको भाग लेगा कोई? जिस पत्नी, जिस पति के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चों के लिए, माता पिता के लिए तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे भागीदार बनेंगे इसके अंदर? बोले हाँ, मैं उनके लिए तो कमाता हूँ, उनके लिए चोरी करता हूँ, तो उनको तो भाग मेरे पाप में भागीदार इससे बने, हिस्सेदार बनेंगे वो। बोले तुम जाके पूछ के आओ। बोले हाँ बाबा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे को यहाँ से भेज रहे हो और पीछे से तुम भाग लोगे। बोले नहीं नहीं मैं यहीं पे हूँ, तुम जाके अपने परिवार में पूछ के आओ एक बार। अभी जैसे ये दक्षिण रत्नाकर आए अपने घर में, पूछा पत्नी से सबसे पहले। बोले देखो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, और मैं जो भी काम करता हूँ तुम्हें पता है, मैं चोरी चकारी करके पैसा लेकर आता हूँ, तो इस पाप कर्म में तुम मेरी भागीदार बनोगी? तो उसने कहा नहीं, मैं क्यों करूंगी, बाहर का काम तुम्हारा, घर का काम मेरा, तुम कैसे पैसा कमा रहे हो वो तुम जानो, मैं क्यों भाग लूंगी इसके अंदर।
उस समय पर बच्चों से पूछा, बोले बच्चों तुम लोग तो इसके भागीदार बनोगे। बोले नहीं पिताजी, अभी तो हम बच्चे हैं, आपका हमारा पालन पोषण करना आपका धर्म है, आप हमें पालो पोसो, बड़े होकर हम जैसा होगा देखेंगे। बाद में नंबर आया माता पिता का, माता पिता से पूछा, बोले आप भागीदार बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी भागीदार नहीं बनेंगे, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तो पैसा कैसे कमा रहा है ये तू जाने, तेरा काम जाने। बड़ा दुखी हो गया, बोले मैं जिनके लिए इतना सब कुछ करता हूँ, आप देखो प्राय करके देखोगे संसार में पुरुष जो धर्म उपार्जन के लिए बाहर जाते हैं किस लिए करते हैं, हमारे खुद के लिए तो बहुत ही कम, किस तरह से हम परिवार को प्रसन्न रखें, किस तरह से बच्चों को हम खुश रखें, है ना। लेकिन कोई भी हमारे इसके साथ में जो पाप कर्म कर रहे हो, यदि पाप से धन उपार्जन कर रहे हो, उसके अंदर भागीदार न कोई नहीं बनेगा, खुद को ही भोगना पड़ेगा। जब दक्ष रत्नाकर ने भी यही बात सुनी तो उनको भी बड़ा दुख लगा, वापस से आए नारद जी के पास में, बोले बाबा मैं तो बड़ा पाप कर्म किया, अब इसका कैसे छुटकारा मिलेगा, आप ही कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने उनसे कहा कि तुम भगवान राम का नाम लो, बोलो राम, बोलो आप लोग बोलो राम, राम। आप लोग तो देखो अनायास बोल पा रहे हो राम, लेकिन वो इतने पापी थे उनके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा था, राम नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे थे वो। जब वाल्मीकि जी, जब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम अच्छा सबको मारते थे, मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ मैं मरा मरा बोल सकता हूँ। तो क्या हुआ, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भगवान का उल्टा नाम, मरा 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 करते 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 वो राम नाम उच्चारण किया उन्होंने, और इतने सर्वश्रेष्ठ हो गए कि भगवान के आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी, भगवान जब अवतरित नहीं होते उससे पहले ही उन्होंने ग्रंथ तैयार कर दिया, है ना, किसके प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। तो हम ये जो भगवान का नाम ले रहे हैं ना, सब लोग इसका जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, क्यों, क्योंकि कलयुग में इसकी विशेष महिमा है। आप देखो सतयुग के लोग जो थे वो यज्ञ करते थे, द्वापर युग के, त्रेता युग के लोग जो है वो हवन इत्यादि करते थे, तपस्या करते थे, अलग अलग साधन थे अलग अलग युग में, लेकिन कलयुग का जीव यज्ञ नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, है ना, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करता, लेकिन भगवान का नाम लेने में कोई कष्ट नहीं है। हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं उसके अंदर कुछ कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं ना। इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी कीर्तन होना चाहिए, अगर इसका उच्च स्वर से कीर्तन करो तो 100 गुना ज्यादा फल है। मेरे पीछे पीछे सभी लोग कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे
करेंगे उस पर। सुनो, अभी हम जो भजन श्रवण करेंगे उसमें साधु संघ की महिमा बताई गई है। साधु संघ की क्या महिमा होती है? जैसे सूखी लकड़ियां होती हैं, सूखी लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को अगर हल्की सी चिंगारी मिल जाए ना तो वो एकदम से जल उठती हैं। ऐसी साधु संघ की महिमा है। साधु संघ में जब हम आ जाते हैं तो हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति भाव हैं, वो साधु हमारे हृदय में उन भावों को जागृत कर देते हैं। इस भजन के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में जल गया, जिसके पापों का पर्वत ही जल गया, उसके पापों का पर्वत भी जल गया, उसके पापों का पर्वत ही जल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत और कवियों की वाणी को मानो, अकबर को यूनानी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। उसका चौरासी कट जाए फंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका चौरासी कट जाए जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पूरा भी आनंद है जिसके हृदय में राम नाम संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे मिलता यहाँ परमानंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो
जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। साधु संघ के बारे में जैसे बता रहे थे अभी, सूखी लकड़ियों में अगर एक चिंगारी गिर जाती है तो उसमें आग लग जाती है, ऐसे ही हरिनाम भी है। जब हम साधु संघ करते हैं तो साधु हमें क्या देते हैं? हरिनाम, भगवान का नाम देते हैं। उस नाम से क्या होता है, हमने जितने भी पाप किए हैं, अनर्थ हैं जो भी हमारे हृदय में, सब वैसे ही जलकर राख हो जाते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों में आग चिंगारी गिरती है और सब लकड़ियां राख हो जाती हैं, वैसे ही ये हरिनाम है। इस हरिनाम की इतनी महिमा है, हमने जितने भी पाप कर्म किए हैं
वो सब जलकर ढेर हो जाते हैं, सब जलकर राख हो जाते हैं, कोई पाप हमारे हृदय में नहीं रहता। जब हम नाम को गुरुदेव से लेंगे, किसी संत से लेंगे, तब वो प्रभाव डालेगा अपना। जैसे अगर हमें कोई रोग है और उसे दूर करना है तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर हमें दवाई देता है, दवाई भी देता है और साथ में परहेज भी बताता है, आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है। अगर हम उसे परहेज के साथ लेते हैं तब हम ठीक होंगे डॉक्टर की दवाई से, अगर हम परहेज ना करें तो क्या होगा, हम रोग, हमारा रोग ठीक होगा नहीं होगा। वैसे ही ये हरि नाम को हमें साधु या किसी गुरु से ग्रहण करना चाहिए, वो हमें हरि नाम देकर क्या करते हैं, हमारे हृदय की सारी अपवित्रता को दूर कर देते हैं और हमारे हृदय में भगवान के प्रति सेवा का भाव जाग जाता है। ऐसे हरि नाम की महिमा है और हम गुरुदेव से श्रवण करेंगे। आपका नाम क्या बाबा? रमेश। सुधीर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हाँ देखो श्री, क्या नाम प्रभु जी बोले? रमेश प्रभु। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है प्रभु जी, आज घर में सत्संग रखवाए, घर में हरि कीर्तन आज हो रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है जिस दिन घर में संत लोग आए, घर में भगवान की कीर्तन कथा हो। भागवत कहता है सर्वाणि तीर्थानि बसंति तथा जथा चुतादर कथा प्रसंग। जिस घर में भगवान की कीर्तन सत्संग हो, कहते तो घर घर नहीं, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है उसी घर में आकर के बैठ गए। पृथ्वी में कितना तीर्थ है पता है? कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितना? हाँ बताओ, 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ होता है। और 6 अरब मतलब कितना कितना करोड़ हो गया? 6 सह करोड़। 6 से करोड़ घर में तीर्थ, घर में उसी समय में आ गए। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है जिस घर में कीर्तन कथा हो, कहते आपका घर घर नहीं रह गया, वो घर भगवान का धाम हो गया, भगवान की धाम हो गया। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जिस घर में कीर्तन सत्संग हो, घर का जितने अमंगल है, घर का जितने दुख कष्ट है, भगवान का नाम कीर्तन जितना दूत और गुंजे है ना, कर सारे पाप को घर से, सारे पाप को घर से खत्म कर देती है, घर में कोई पाप नहीं रहता है। बोले एक समय कोई एक संत किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे, जब प्रवेश कर रहे थे उन्होंने देखा एक भयंकर, एक कोई एक प्रेतात्मा जैसे वो गांव से निकल रहा है। वो संत बोले भैया तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले आप आ रहे हो ना इसलिए मैं जा रहा हूँ। उनको समझ में नहीं आया भैया मैं आ रहा हूँ ये जा रहा है मतलब क्या। जो संत गांव में आए देखा घर घर में दुख कष्ट है, घर घर में परेशानी, घर घर में हैं, लेकिन संतों का काम क्या है? हरि कीर्तन करे, भगवान की भजन करे, कथा करे। जब वो संत गांव में आए, भगवान का कीर्तन करना शुरू किया, हरि कथा करना शुरू किया, गांव में पूरा पूरा शांति की वातावरण घर में आ गया, गांव का सारे दुख कष्ट घर से खत्म हो गए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब महाप्रभु सन्यास लेकर जा रहे थे, भक्तों को बुलाए, बोले देखो तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो? बोले हाँ प्रभु जी। बोले अगर मेरे को प्रेम करते हो, ठाकुर जी कह रहे अगर प्रेम करते हो ना, कोशिश करना घर में, जैसे सबके सब घर से बाहर से काम करके शाम को आ गए घर में, घर में शाम को आ गए, पूरा पूरा परिवार बैठ जाओ, सारे बच्चों को लेकर, सबको परिवार लेकर बैठ जाओ, बैठ जाकर क्या करो, ढोलकी है घर में? ढोलकी है? ढोलकी है घर में? नहीं है। मंजीरा है? हाँ। मंजीरा भी है? नहीं है ना। हाँ अगर हो तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी नहीं हो ना, पूरा के पूरा परिवार घर में बैठ जाओ, बैठ कर कुछ भी नहीं, मजरा ढोल के हो तो अच्छी बात, अगर बच्चों को अगर सिखा सकते तो अच्छी बात, सीख ले हैं। घर में बैठ कर क्या करो, थोड़ी समय प्रभु का कीर्तन करो, कुछ भी नहीं, घर में ताली बजाती हुई अगर थोड़ी समय कीर्तन करो ना, अब स्वयं देख लेना दिन भर का जो परिश्रम है सब लाघव हो जाएगा हैं। हृदय में भगवान की भक्ति, घर में हृदय में भगवान के प्रेम आ जाएगा, घर भगवान का धाम बन जाएगा।
जितने क्लेश है, जितने परेशान थे, सब खत्म हो जाएगी। थोड़ी समय अगर घर में बैठ करके हरि कीर्तन अगर करोगे, इसलिए जिस घर में प्रभु का कीर्तन भजन हो ना, वही घर ही भगवान का धाम बन जाएगा, तुम्हारी घर ही भगवान की धाम बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों? इसलिए थोड़ी समय ठाकुर का कीर्तन किया करो घर में, बच्चों के अंदर में भी अच्छे संस्कार डालो, बच्चे भी भगवान की भक्ति करें, आप भी भगवान की भजन करो। ठीक है ना? इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, बोले कलयुग में ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल भगवान की थोड़ी सी नाम जप कर लो। क्या करो? भगवान की नाम जप करो। बोले कौन सा नाम है? ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, आता है बोलना आप लोगों को? बोलो, बोले हरे कृष्ण, बोलो बच्चों, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो इसमें तीन नाम है, हरे हरे मतलब क्या है, जितने हमारी दुख कष्ट है जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि से हरे हैं। हरि का नाम लेने से क्या होगा, समस्त दुख कष्ट दूर हो जाएगा। कृष्ण मतलब क्या है, जैसे मन में देखना कभी कभी शांति नहीं रहता है, घर में सब कुछ लेकिन मन में कभी कभी बेचैनी सी रहती है, लेकिन कृष्ण नाम करो ना, ये जो बेचैनी से मन है वो बेचैनी से नहीं रहेगा। क्रि मतलब होता है आकर्षण करना, हर्षना मतलब होता है आनंद देना है, इसलिए कृष्ण नाम लेने से मन का बेचैनी सी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, अभी फोन बंद कर दो 10 मिनट के लिए। इसलिए कृष्ण नाम से क्या होगा बोलो, मन का जितने दुख कष्ट दूर हो जाएगा। और राम मतलब क्या है, जीवन में हमें जो आराम दे, क्या दे, आराम और सुख शांति दे। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करोगे ना, सारे दुख दूर जाएगा, मन को शांति मिलेगी और जीवन में आराम मिलेगा। हम तो जीवन में यही तो चाहते हो, क्या चाहते हो, और तो कोई चीज़ नहीं चाहते ना, यही चाहते ना। अगर हम चाहते जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, क्या करो, भगवान के नाम को जप करो, ठाकुर जी की नाम को जप करो। कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए, बोले कलयुग का जीव इतना कष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की थोड़ी सी नाम को जप कर सकते हैं। ठीक है ना? एक बार मेरे साथ में हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो एक श्लोक है, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा, निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता, नियमित स्मरण न काल। इसका मतलब है भगवान के अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर, कितने ठाकुर जी के नाम है, हैं। भगवान ने क्या किया, कलयुग में अपना नाम में सारे शक्तियों को अपना नाम में दे दिया है, हैं। इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कहते जो भगवान का नाम है, भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है, हैं। इसलिए भगवान ने सारे शक्ति ठाकुर जी के अपना नाम में दे करके रखा। फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले नियमित स्मरण न काल, मैंने ये नहीं बताया, देखो मेरे नाम करने के लिए पहले एकदम साफ सुथरा हो करके मेरे नाम कर सकते, नहीं, घर में जो कुछ काम करता हो ठाकुर को सेवा मान कर करो। ठीक है, क्या करोगे, जैसे घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, घर में नहीं, भगवान के मंदिर में। ये घर को क्या समझो, किसने घर दिया है, किसने दिया भैया, ठाकुर ने दिया है। तुम लोग गुजर है ना, गुजर मतलब क्या जानते हो, ये सब किस कृष्ण की जाति है। कितना गुजरिया खोल खेवरिया तेरे घर में आया हो, गुजरी कौन नहीं, गोपियों को गुजरी कहती हैं, गोपियों को ही गुजर कहती हैं, हैं। ये गुजर मतलब गोप गुजर है, तुम लोग सब कृष्ण के खानदान हो, तुम के सब भगवान कृष्ण के ही परिवार के तुम लोग हो,
है, गुजरी कौन है, गोपियों गोपियों गुजरी कहते हैं सबके, है ना। हाँ, इसलिए सब गुजरी मतलब सबके सब तुम लोग कृष्ण के परिवार हो, कृष्ण के परिवार तुम लोग हो, बड़े भाग्य से गुजरी घर में जन्म हो, तो समझो तुम भी गुजरी हो, गुजरी हो। हाँ हाँ, इसलिए इसलिए बड़े भाग्य से ही गुजरी घर में ना, बड़े भाग्य से जन्म लेते हो। हाँ, सब इधर सब गुजर, हमारे ज़्यादा जो परिचय हमारे जो संपर्क में हैं सब ये सब गुजर लोग हैं। हाँ, होगा तो तुम्हारी गुजर तो पहले एक परिवार था, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना बड़े हैं। हाँ, हो सकता है उस तरफ में भी तुम्हारे कोई परिवार के होंगे, जैसे आली गांव है और हमारे गड़ी गाँव है और तुगलकबाद है, झोंडपुरा है, कहीं ना कहीं तुम्हारी परिवार से कोई होंगे उस तरफ, क्योंकि हम किसी कहाँ भी जाता है ना परिवार से कोई निकल जाता है, कहता है अरे तुम तो हमारे अमुक लगते हो, हैं, क्योंकि दूर दूर से परिचय होता है ना। हाँ, इसलिए इसलिए कहते हैं भगवान गुजर घर में भगवान, तुम लोग कृष्ण की परिवार हो, इसलिए क्या करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान कहते हैं मैंने जब घर में कोई भी काम करो झाड़ू लगाओ, समझो भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे, ठीक है। जैसे खाना बनाते हो, बनाती हो, कौन घर में खाना बनाती है, बहू बनाती है, हैं, इसलिए घर में जो कोई खाना बनाती हो क्या समझो, किसके लिए खाना बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए, भगवान की भोग लगेगा इसलिए हम खाना बनाते हैं। लेकिन इसमें एक नियम है, क्या नियम है, प्याज लहसुन खाते हो, सही सही बोल दो। हाँ, देखो अगर प्याज लहसुन खाओगे ना फिर ठाकुर को भोग नहीं लगता है। हाँ, देखो एक कहानी सुन लो, अच्छे तरह सुन लो, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, ये पुराण में कथा है। नवरात्रि में देखना 9 दिन तो कोई सुबह घर में नहीं, यही तो चीज़ है ना, नवरात्रि क्यों नहीं खाते हो, क्यों नहीं खाते हैं, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो ना, ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा ऐसे तो नहीं होनी चाहिए ना। जो चीज़ माता जी को पसंद नहीं है, जो चीज़ ठाकुर को भोग नहीं लगता है, फिर वो चीज़ को क्यों खाए, जो ठाकुर को पसंद है वो चीज़ को हमें लेनी चाहिए। देखो ये पुराण में कथा आती है, पहले पहले ऋषि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गो माता है, इसलिए जब गैया कोई बूढ़ी हो जाती थी उसको मारने नहीं देते थे, क्यों, गो माता है। वो यज्ञ करते थे, यज्ञ करके फिर वो यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे, लेकिन ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र शक्ति थी, जब मंत्र पढ़ते थे वो गैया फिर जवानी हो जाती थी। हैं, कोई गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ के अनुष्ठान किए, सब ऋषि मुनि लोग इकट्ठे हुए, बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस दिया आहुति डालने के लिए यज्ञ कुंड में, हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने ये लाल लाल मांस को देखकर खाने की इच्छा होगी, सोचा यहाँ तो कहीं देख नहीं रहे, अभी इसको खाओ कैसे, सबको सामने राख में छुपा दिया, सबके सब आहुति डाले, ऋषि मंत्र पढ़े, गैया जवानी बन करके प्रकट हुआ, लेकिन जिस जगह के मांस को छुपाए ना वहाँ पर इतना बड़ा घाव बना हुआ था, ऋषि तो साधारण थे नहीं, ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा किसने मांस खाने के लिए उसने छुपाया, अभिशाप दे दिया, बोले जहाँ पर ये मांस को गाड़ दिया, जैसे मांस लाल लाल रंग के वहाँ की प्याज की पौधा होगी, जैसे मांस से बदबू निकलती है, अब कच्चा प्याज का मुँह से बदबू मारती हैं, अगर प्याज काटो ना, हाँ हाँ सलगम भी प्याज भी है। हाँ, आपको हाँ देखो आपको एक वीडियो सुनाऊंगा, आप अच्छे तरह से देखना, इसलिए कहीं कहीं बताया कुत्ते का अंडकोश से ही बनी है ये प्याज है, हैं, कुत्ते का पंजे से बनी ये लहसुन है, देखना जैसे कुत्ते का पंजे जैसे है ना, देखना लहसुन का आकृति भी वैसे ही है, हैं, इसलिए जब उन्होंने अभिशाप दिया देखा किसी ने छुपाया, इसलिए अभिशाप से ये बना हुआ है, इसलिए अब 9 दिन तक क्यों नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, कारण है ये गंदी चीज से सृष्टि है, इसलिए माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हैं ना, तामसी की भी है। हाँ हाँ, इसलिए तामसी की भी है, दवाई तो बहुत सारी चीज है, नहीं जिसको जो जो खा रहे हैं उसको देखो, जो खा रहे हैं क्या उसका घुटने में दर्द नहीं हो रहा है, उसका भी दर्द हो रहा है। नहीं
नहीं देखो देखो नहीं नहीं जो चीज़ देखो जो चीज़ ठाकुर जी को पसंद नहीं है ना, वो चीज़ को हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ कान्हा नहीं खाते हैं, ये भी तामस की वस्तु भी है, तामस की भोजन है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाएंगे मन भी हमारी वैसे ही बनेगा। इसलिए अगर इसको छोड़ सकते हैं अच्छी बात है। जो चीज़ देखो गीता का श्लोक है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तो अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात् यज्ञ शिष्टा से न संत मुच्यंत सर्व के लिए। कृष्ण खुद कह रहे हैं, बोले हे अर्जुन जो चीज़ मेरे को भोग नहीं लगता है, बगैर भोग लगाए हुए खा लेते हैं वो पाप भोजन करते हैं, जो चीज़ मुझे अर्पण करके खाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं। लेकिन जो प्याज लहसुन लगेगा फिर ठाकुर को भोग नहीं लगता है, इसलिए हमें देखनी चाहिए हमारे ठाकुर जी कैसे खुश रहते हैं। भगवान की प्रीति से अपना प्रीति को मत देखा करो, ठाकुर जी के पसंद को देखो, फिर अपना पसंद को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम कभी कभी कहते नहीं हमें स्वाद नहीं आता है बगैर प्याज लहसुन के। नहीं, आप देखो घर में जैसे रोज रोज प्याज लहसुन बनता है, एक दिन कोई तिथि त्यौहार आ जाए जिस दिन ठाकुर को भोग लगता है, देखने खाने में अलग स्वाद आता है, आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, आता है ना। क्यों? ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर जी को भोग लगाए। देखो ठाकुर जी को भोग लगाने का कितने पुण्य, देखो सुदामा जी का नाम सुने आप टीवी में देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे उनको गुरु माता ने कुछ चाना दिया था सुदामा जी को, बोलते कृष्ण को देकर खाना, लेकिन उसने छुपा छुपा कर खाया है, इसलिए गरीब भोगना पड़ा। धनी का बना, जब उसकी पत्नी को पता चला इनका बचपन का जो दोस्त है भगवान द्वारकाधीश से, जाओ ठाकुर का दर्शन करके आओ तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा, जरूर ठाकुर कुछ देंगे। बोले देखो खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए, ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ ले करके जानी चाहिए। अब देखे होंगे दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुठ्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए, जब तीसरी मुठ्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं अपने दो मुठ्ठी खा लिया सारे राज और ईश्वर जो तुम्हारे घर में उनको घर में पहुंच गया, अगर तीसरी मुठ्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाओगी। अब देखे होंगे जब सुदामा आया सोने की महल, पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई, पहचान नहीं पाए हैं, क्यों? ठाकुर को दिए है। अगर घर में ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे घर में लक्ष्मी की भी घर में कृपा होती है, माँ लक्ष्मी भी आती है। देखो पैसा को कहते हैं लक्ष्मी, क्या कहते हैं? लक्ष्मी। तुम्हारी लक्ष्मी कौन है? ये तुम्हारी लक्ष्मी, तो इसका कर्तव्य पति की सेवा करना, पर सेवा करना ना, इसलिए जो लक्ष्मी है वो ठाकुर जी के हैं, अच्छे तरह समझो इस चीज़ को, लक्ष्मी ठाकुर जी के है। लेकिन वो जो जैसे घर में जो चीज़ बनती है वो पैसा से बनती है, पैसा से अगर खरीदी करते ना, लेकिन वो जब कृष्ण की सेवा में लग जाता है तुलसी दल भोग से लक्ष्मी खुश हो जाती, आशीर्वाद बेटा खूब फलते फलते रहो, खूब खुशी रहो। लेकिन अगर लक्ष्मी वो ठाकुर को सेवा में नहीं लग रही है फिर तो लक्ष्मी दुख कष्ट ले आती है फिर। इसलिए लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, कौन है? उल्लू है ना। अगर लक्ष्मी को अकेले घर में बुलाओ अपना भोग के लिए फिर अकेले वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है फिर हमें उल्लू बनाती है। लेकिन अगर नारायण की सेवा के लिए बुलाओ ना उसका और एक वाहन है गरुड़। देखना लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर अकेली नहीं और नारायण को साथ में बैठती है, मतलब क्या है? अगर लक्ष्मी को घर में बुला रहे हो माँ लक्ष्मी आओ क्योंकि आप ठाकुर जी के हो, पर लक्ष्मी अकेली नहीं आएगी और गरुड़ ऊपर बैठ करके आएगी नारायण को लेकर के आती है। पर गरुड़ कहाँ पर रहता है? बोले वैकुंठ में। कहाँ रहती है? फिर तुम्हारी घर को वैकुंठपुरी बना देगी, ठाकुर का धाम बना देगी, हैं। इसलिए कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अब ठाकुर को भोग लगा कर खाओ तुलसी दल से, देखना भगवान का प्रसाद खाओ मन अपने आप सुधरेगा। जिस दिन घर में ठाकुर को बगैर प्याज लहसुन के बने ठाकुर को भोग लगता है अच्छा लगता है ना, खाना अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगती है ना। हाँ, कोशिश करो जितना दूर हो सके, हम तो बताना आपको हम बता रहा हूँ लेकिन करने वाले तो आप ही हो, हाँ करने वाले तो आप ही हो, हैं। इसलिए अगर कर सकते तो अच्छी बात है, हैं, अच्छी बात है। और भगवान की क्या करो, भगवान की हरि नाम करो, ठाकुर जी की थोड़ी समय जैसे सवेरे नहा धो करके भगवान के लिए भी थोड़ी समय हमें देनी चाहिए, ठीक है ना। घर में बैठे करके जैसे ये माला जप करते हैं ना, देखो ये माला देखो
देखो ये माला है, ये माला में कम से कम बच्चों का अंदर भी संस्कार डालो, जो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है बोलो एक एक माला करे, देखो ना अपने आप पढ़ाई में मन लगेगी, मन को शांति नहीं मिलती है। अब देखना जितने समय घर में बैठे करके आप भगवान के नाम जप करोगे, मन को अपने आप मन को ये शांति भी मिलेगी, अपने आप शांति मिलेगी। हैं नहीं, तुलसी माला में ज़्यादा लाभ है, तुलसी माला में, क्योंकि तुलसी में भक्ति, इसको तरह भक्ति मिलती है, भगवान की प्रिया तुलसी है, इसमें ज़्यादा भक्ति भावना ये तुलसी माला में ज़्यादा लाभदायी है। इसलिए कोशिश करना पूरा परिवार भगवान के भजन करे, एक स्टोरी सुन लो अच्छे तरह से। बच्चों एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी सुनना, उसके बाद में फिर पूछूंगा, मैं देखूंगा कौन बोल सकता है, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। हाँ ध्यान देकर सुनो। देखो एक समय कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी, कितने रानियां थी, सुंदर थी, सब व्यक्ति चाहते ना पत्नी हमारी सुंदरी हो। इसलिए राजा जब नगर में घूमने जाता था दर्शन करने के लिए, माता जी कहाँ जा रहे हो, हाँ बैठ जाओ, इसलिए जब जाती थी, हाँ जब वो जाता था नगर घूमने के लिए, वो दूसरे नंबर रानी को बड़े सुंदर सजाता जाता था और उसको पास में बैठा लेता था, बैठा करके दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितनी सुंदरी है। और राजा की जो तीसरे नंबर की रानी थी, कहते वो बड़ा मीठा मीठा शब्द बोलती थी, इसलिए हर व्यक्ति चाहते हैं पत्नी मेरी मीठा मीठा बोले, जैसे घर से काम करके आए हैं, घर से काम करके आए, जैसे पत्नी इतने मीठी बोली बोले सारा दिन का परिश्रम हमारी लाघव हो जाए, है ना। इसलिए वो तीसरे नंबर की रानी बड़े मीठा मीठा बोलती थी, इसलिए राजा जब घर में आता था वो तीसरे नंबर रानी को पास में बैठता था, बैठ करके उसको जो मीठा मीठा बोली को सुन सुन करके खुश होता था। राजा की जो चौथे नंबर की रानी थी, है तो अच्छी बड़ी प्यारी सुंदरी, लेकिन जब से उसको घर से में शादी करके लाए ना, तब से राजा उसको साथ में कोई मतलब ही नहीं रखा, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी पूछा नहीं, और बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा को अंतिम समय आया संसार छोड़ने का, सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे मैं पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती हैं। सबसे बड़ी रानी के नंबर आई, किसकी नंबर आई, बड़ी रानी की, मतलब बड़ी रानी कौन थी, मैं अभी अभी सुनाया ना कौन थी बड़ी रानी, हाँ राजा जी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसकी मन पसंद को चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। सबसे बड़ी राजी के नंबर आई, रमन आई, तो बोले रानी तू साथ में चलोगी, मेरे साथ में चलोगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली वही निकली, बोले तेरे साथ में मैं एक कदम भी चलने वाले नहीं, बोले क्यों, तेरे लिए मैंने जो इतना किया, जो मांगती थी वही ला ला कर तेरे को देता था, हैं तेरे खुश रखता था, तू कहते एक कदम नहीं चलूंगी, बोले तेरा कर्तव्य था, बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो बड़ा दुख मिला। अभी दूसरे नंबर रानी से पूछा, दूसरे नंबर कौन थी, हाँ जो सुंदर थी, राजा जिसको रथ में बड़े सुंदर रूप में सदा जाकर बैठ देता था और सारा दुनिया को वो दिखाया करता था, हाँ सारा दुनिया को दिखाता था रानी मेरी कितने सुंदरी है। तो उन्होंने दूसरे नंबर रानी से पूछा, बोले तू साथ में चलोगी, बोली मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे, बोले देख तुम्हें कितने सुंदरी हो, बोले है तो सुंदरी, बोले तू तो पहले ही मेरे को दुनिया को दिखा दिखा कर रखा, इसलिए जहाँ जाऊँगी मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूँगी। राजा सुन करके प्यार को नीचे जमीन खिसक गई, बोली ये क्या कह रही हैं। अभी तीसरे नंबर आई, तीसरे नंबर कौन थी, हाँ मीठी बोलने वाली, राजा जिसको मीठा मीठा बोली सुनता था, उससे पूछा तू साथ में चलोगी, वो थोड़ी सी अच्छी निकली, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकते हो, बोले आगे, बोले ज़्यादा बोलोगे ना दरवाजा से दो तीन कदम तो आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में मैं चलने वाले नहीं हूँ, बोले दो तीन कदम चलने वाले कोई दरवाजे तो को चली को थोड़ी चलना थोड़ी है, बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, तुम भी बेकार हो। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी, हाँ राजा जिसको कभी ख्याल नहीं रखा,
हाँ, जिस साथ कोई बात नहीं करता था, कभी नहीं पूछता था तेरे पास में कुछ है कि नहीं, कभी नहीं पूछता था। इसलिए अभी सोचा इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्यों, जिसके लिए करोगे उसको तो पूछ सकते हो, और जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे। सोचा जो पत्नी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ। बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले ये तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? तू जब से मेरे को शादी करके घर में लाए हो कभी तुमने पूछा कि मेरे को तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? कभी कभी तुमने पूछा? कभी तो तुमने पूछा ही नहीं कभी है। और जब मरने का समय आया तुम कहते हो तेरे साथ में चलोगी? बोले देख रानी मैं तो पहले पूछना चाह ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख लो। उसने कि रानी देख राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ, तुम देख लिया ना जिन जिन को तू प्रेम करता था कहाँ तक चलने वाले, कोई चले साथ में? बोले कोई नहीं चले, लेकिन तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे के सुख में सुखी रहूंगी, दुख में दुखी रहूंगी, बिना खाने खाए पिए तेरे को मैं भोजन खिलाऊंगी। उनको तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए मैंने जिंदगी दिया कोई जानने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयारी हो रही है। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी जीवन की कथा है, हमारी ये जीवन की असली कथा है, हमारे जीवन की कथा है। अच्छे तरह से चीज को समझ लो, बढ़िया से अगर समझ लेंगे ना फिर समझो आपका जीवन ही बदल जाएगी। है देखो सबसे बड़ी रानी मतलब होता है अभी जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिसकी मन पसंद, उसका जो मन पसंद चीज को ला ला कर उसको इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन जब हमारे अंतिम समय आएगी जो एक कदम भी चलने वाला वो नहीं है, सबसे ज्यादा धोखे देगी वही। कहते वो कौन है जिसको हम सबसे जगत में ज्यादा प्रेम करते हैं? आप बता सकते हो किसको ज्यादा प्रेम करते हो? हाँ नहीं वो तो है, लेकिन वो कौन है जो कि लास्ट में जिसको प्रेम तो ज्यादा करते हैं लेकिन अंतिम समय में हम सबसे ज्यादा धोखे वही देगी? किसको प्रेम करते हो? ये आध्यात्मिक प्रश्न है, ये सांसारिक प्रश्न नहीं है, ये आत्म तत्व ज्ञान। शरीर को प्रेम करते हो कैसे? हाँ भैया मैं ताली बजाओ इसके लिए। हाँ इसलिए तो तूने तूने सही बात बताई। हाँ इधर आ जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। हाँ इसलिए हाँ देखो अच्छे तरह समझो। हाँ माता जी ने अच्छी बात बताई, ये शास्त्र जो कहता है ना ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये जगत में केवल स्वार्थ है। जगत में जो प्रेम थोड़ी बहुत दिख रहा है ना, चूंकि आपसे कुछ मेरे को मिल रहा है इसलिए ये स्वार्थ दिख रहा है, ये प्रेम दिख रहा है। देना बंद कर दो फिर कोई प्रेम करेगा? प्रेम नहीं करेगा। इसलिए अभी प्रश्न है किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते? अपने आप को, शरीर को। देखना ये शरीर जिस समय जिस चीज की मांग करती है, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते तो चलो मल में चलो, गोल गोपे खाना चाहते तो चलो खिलाएंगे पराठा, वहां पर बढ़िया पराठा मिलता है, वहां पर बढ़िया खाना मिलता है। हैं देख रहे, शरीर जिस च्यवनप्राश खिलाते हैं, जिम में जाते हैं, शरीर जिस समय मांग करते इसको पूरी करते हैं शरीर को, हैं। इसलिए हम प्रेम सबसे ज्यादा, लेकिन जब ये शरीर कब तक है? जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा बड़ा रह जाएगा, जब शरीर से ये परमात्मा चली जाए फिर शरीर को फिर कोई मूल्य रहता है? शरीर जहाँ कहता हूँ वहीं पड़ी रह जाती है, शरीर पर हमारे साथ में नहीं देती है। कहते 13 दिन के लिए अशुद्ध रहते हैं, शरीर को निकालते हैं, बोले घर में गंगा पानी गोबर और गौमूत्र को छिड़काव कराओ, अपवित्र हो गया है, इसलिए शरीर वहीं रह गई। अभी तो दूसरी रानी थी, दूसरी रानी कौन? सबसे जो सुंदर थी, सबसे जो सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाता था, लेकिन वो क्या उत्तर देती है? तू कब मरोगे? मैं दूसरे से शादी करूंगी। कहती दूसरी रानी कौन है जो सबसे सुंदरी? हम कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आपको पता होगा पैसा कमाने के लिए कितने कष्ट होता है, कितना कष्ट है। ये सबसे सुंदरी है, अगर पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी घोड़ा चलाएंगे, अच्छे खाएंगे पिएंगे, अच्छे पहनेंगे, हैं दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन जब पैसा से पूछे भैया साथ में चलोगी, साथ पैसा चलेगी? वो कहता है कब तुम मरोगे? मैं दूसरे से शादी करती हूँ। मतलब क्या है? ये शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है।
इसलिए वो कहते मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, तेरे साथ में मैं जाने वाले नहीं हूँ, पैसा भी जहाँ के तहाँ वही रह गया। मैं तो अपने गांव में देखा, हमारे गांव में जो सबसे बड़ा आदमी था, अपने गांव में चार ही बेटे थे, क्या उन्होंने हिस्सा किसी बच्चे को थोड़ा कम किसी ज़्यादा दे दिया था। जब पिताजी के शरीर छोड़ा ना, जिसको काम मिला था वो डंडा लेकर के आ गया, बोले पहले पिताजी की कापी खोलो, कितने पैसा कहाँ पर रखा हुआ है, पहले बंटवारा हो, फिर पिताजी के शरीर जो छुएगा सर फोड़ दूंगा, उसका सर फोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को पिताजी के हिस्सा से कम मिला, इसको ज़्यादा मिला है। इसलिए पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, हैं। इसलिए तीसरी रानी जो बड़ी मीठा बोलती है, उससे पूछा साथ में चलोगी, कहते दरवाजा तक चलूंगी। मतलब क्या है, पत्नी कहाँ तक जाती है, दरवाजा तक जाती है, उसका आगे नहीं चलती। चलती तो चार कदम आगे बढ़ती है, उसको बाद में पत्नी अभी भी नहीं जाते। हाँ माता जी अच्छी बात है बताई, इसलिए अभी दरवाजे तक भी नहीं चलती है। इसलिए वो परिवार से पूछे कहाँ तक जाओगे, बोले शमशान तक जाएंगे। हाँ जो परिवार लोग राम नाम सत्य करते कर शमशान तक जला करके वहीं से वापस चले आते हैं, यह गए। अभी ध्यान देकर सुनो, राजा जिसको जीवन में सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया, ये बेकार किसी काम की नहीं है, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, पूछा भी नहीं। लेकिन जब अंतिम समय में उसको पूछा ना साथ में चलने वाले, वो कहती है तेरे साथ में मैं चलूँगी, तेरे सुखी में सुखी दुखी में दुखी, बिना खाने पिला खिलाए भी तेरे मित्र को खिलाऊंगी। कहती ये कौन है, ये कौन है, हैं ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करके हमने रखा। कहती भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, अगर किसको बोले तो हरिनाम कर, समय कहाँ है हमारे पास, समय कहाँ भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, हैं हमारे पास में कोई समय नहीं, सब बेकार काम है। जिसे कोई काम धाम नहीं ना, उसे माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं सारे काम, सब समय टीवी अगर देखो खोलो उल्टा पुल्टा सीरियल आ रही, तीन तीन घंटा बैठ कर देख लेते हैं, स्मार्टफोन देखो तो घंटे घंटे चली जाती हैं, इधर उधर बात करो तो कितने समय निकल जाती हैं। लेकिन जब प्रभु की भजन के लिए माला के लिए बताओ ना, कहते हमारे पास समय कहाँ है, सब बेकार काम है सबके सब। लेकिन हम लोग तो भारतीय है, देखना जब अंतिम समय में शरीर छोड़ता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, अब सुने वो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, सुनाते ना ये बात किसको सुनाते हैं, जो ऊपर लेटा हुआ होता ना उसको ही सुनाते सुनाते ले जाते। देख बेटा जीवन में जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ जीवन में किया केवल झूठे में बिताया, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में कोई नहीं जा रहे हैं। परिवार तो देख लिया कहाँ तक सबके सब गए हैं, इसलिए मीरा की एक भजन है, अब सुने होंगे, वो कहते ना पायो जी मैंने, बोलो उसका आगे, राम रतन धन पायो बस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु कृपा करे आपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भजन सब गाते होंगे, गाते ही नहीं, इसलिए मीरा कहते पायो जी मैंने, मैंने पाया, बोले क्या पाए हो, बोले राम रतन धन पायो, जितने प्रभु राम का नाम लिया कृष्ण का नाम लिया वही पाया, जग में सभी खोवायो। बोले धन मिली कहाँ से, बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु कृपा करे आपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले ये हमें सदगुरु से ये धन मिली है, हैं सदगुरु से मिली। बोले धन कैसे है, कहते चोर नहीं लेबे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ऐसे के धन है जिसको चोर चोरी करके नहीं ले सकते हैं, लूटने वाले नहीं फूटने वाले नहीं, केवल धन बढ़ती है, ये धन केवल बढ़ती है। अब देखो एक समय चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने कि नहीं, बोले चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण ही है, कलयुग में महाप्रभु रूप में आए, जगत में हरि भक्ति को प्रचार किया। एक दिन इनको भक्तों ने निमंत्रण दिया,
हाँ उसमें जो इस तरफ में जो खड़े राधा कृष्ण महाप्रभु इस तरफ में जो खड़े, कहते एक समय उन्होंने एक शिक्षा देने के लिए उनको भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज ही हमारे घर में आपका भोजन है। तो भगवान बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करते हो? इधर सुना, ओए क्या बात कर रहे हो इधर। इसलिए उन्होंने बोले प्रभु आप किसके घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हमारे घर में 1000 रुपया तक भी नहीं, हमारे घर 1000 की बात छोड़ दो 100 रुपया तक भी नहीं। 100 रुपया मतलब जिसको एक 100 स्वर्ण मोहर होगा। बोले क्या प्रभु हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? फिर भगवान बैठाए समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। इसलिए मीरा की और एक भजन है, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे उसो माला माल हुए हैं, और माया के जो बने पुजारी आखिरी कंगाल हुए हैं। इसलिए असली लखपति कौन है? जिनने प्रभु का नाम रूपी धन लूटे। अब लोग देखो लखपति कैसे बनोगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना, अमिताभ बच्चन बोलता था कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना। यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। देखो आप ध्यान से देखो लखपति कैसे बनोगे। इधर देखो बच्चों, इधर देखो लखपति कैसे बनोगे। जैसे ये माला है, हैं, जब ये माला को हम जप करते हैं ये भगवान खुद शिक्षा दे रहे हैं। जैसे करते हैं ना जिसमें हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल कर एक मोती सरकाते हैं, ठीक है। फिर बोल दो बार बोल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे करते। देखो लखपति कैसे 1 लाख होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। जब एक बार नाम के 16 बार हो गया है, इसमें 108 मोती है। जब यहाँ खत्म हो जाता है ना, इसको फिर हम पार नहीं करते हैं, पार नहीं करके फिर ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके फिर दूसरे बार करते हैं। अगर ऐसे करते करते अगर 16 माला हो जाता है, 16 राउंड, फिर 25,000 हो जाता है हिसाब से। अगर इसमें 64 राउंड अगर हो गया तो हो गया 1 लाख। कितना हो गया? भगवान कहते हैं 1 लाख तुमने माला नहीं की है। बोले किया? बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गए, 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गए। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी? ब्याज मिलता है ना। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाय, आज अगर 1 लाख ठाकुर का नाम किया तो कल आपको 1.25 लाख मिलेगा, और 4 दिन में 2 लाख है ये धन। ये ऐसे के धन है ना, जैसे पति अगर इस धन को कमाए इसको पत्नी नहीं ले सकते, अगर पत्नी अगर कमाएगी ना उसको पति नहीं ले सकते, अगर इसको पिता भी कमाएंगे बच्चे नहीं ले सकते, अगर बच्चे कमाएंगे ना इसको पिता भी नहीं ले सकते। ये धन को जो कमाएगा, अब इसी जीवन में भी इसका मालिक आप ही बनोगे और अगले जीवन में पूरा के पूरा मालिक इसको आप ही बनोगे, और कोई इस धन को कोई ले नहीं सकता। कबीर का नाम सुने हो? कबीर का देखो इसका एक दोहा है, वो कहते हैं मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद हो। कह रहा है जगत में कोई भी मरना नहीं चाहता। अभी कोरोना आई थी ना, सबके सब घर में बंद कर दिया, क्यों? कोई मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन कबीर कहता है दुनिया में सबके सब मरने के लिए डरते हैं, लेकिन मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया तू क्यों खुश हो रहे हो? दुनिया तो मरने के लिए डरता है, तू क्यों खुश हो रहे हो? वो कह रहे हैं बोले इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, मैंने जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप किया है, मेरे को पता है ये धन इसको बाद में पूरा के पूरा मेरे लिए रिजर्व है, मेरे लिए VIP व्यवस्था होगी, क्योंकि प्रभु का मैंने भजन किया, भक्ति किया मैंने, इसलिए पूरा के पूरा धन मिलेगा। बोले दुनिया क्यों डर रहे हैं? बोले कारण है भजन किया नहीं, भगवान का नाम नहीं किया, जानते ही पता नहीं अगली बार कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जन्म होगा, कैसे किसी किसी जन्म में मेरे भटकना पड़ेगा, इसलिए डर रहे हैं। लेकिन कबीर कहते हैं अगर प्रभु का भजन करोगे ना निडर है, कोई डर नहीं, क्यों? ये पूरा के पूरा धन तुम्हारे साथ में जाएगी, हैं, पूरा की पूरा ये धन तुम्हारी साथ चलेगी, इसको कोई भी ये धन को कोई भी ले नहीं सकते, ठीक है ना।
इसलिए घर में एक ही काम करना, जैसे सवेरे नहा धो करके, ठीक है, सबसे सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय माला लेकर भजन करो। जिस घर में भजन करते हैं ना, वो घर ही वृंदावन है, ठाकुर का धाम ही बन जाते हैं। फिर कोई गलत रास्ता पर कोई जाते नहीं, सबके सब सतमार्ग पर रहते हैं। राम जैसे कौन हो, बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, पत्नी हो, और लवकुश जैसे, अब लवकुश तो बच्चे है ही है ठाकुर घर में, लवकुश जैसे, ठीक है ना। क्या करोगे, कौन सा बहू को ज्यादा प्रेम करोगे बताओ, चार बहू में बोलो माता जी, किसको ज्यादा प्रेम करोगे, चार बहू में कौन सा नंबर बोलो। हाँ बस, इनके लिए ताली बजाओ, समझ गए बात को, ठीक है। इसलिए थोड़ी समय ठाकुर को भजने के लिए देना, ठीक है ना, थोड़ी समय, ठीक है बाबा। हाँ, इसलिए थोड़ी समय बैठ करके भगवान की भजन करो। बच्चों, बच्चों का भी संस्कार डालो माता जी, क्योंकि पहला जो संस्कार बच्चों का ना, देखो मुसलमान बच्चों को, हम तो दिल्ली तरफ में जब जाते हैं ना, शुक्रवार के दिन टोपी पहना कर ले जाते, मेन रोड बंद कर देते, हाँ पूरा मेन रोड बंद कर देते हैं। इसलिए देखो उनका अपना धर्म का प्रति कितने इनकी दृढ़ता है, हाँ? इसलिए किसी मुसलमान किसी बच्चे को पूछो कुरान बोलो। मैंने एक बार कथा करने गया था, देखा 10 साल बच्चे पतंग उड़ा रहा था। मैंने कहा तेरा नाम क्या, जो नाम बोला ना, देखा मैं मुसलमान, बोले तेरे कुरान आती है छाती है, मेरे कुरान आती है, बोले सुना, फटाफट बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितनी उम्र से ही सिखाते हैं, बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी जब 2 साल होगा उसको कलमा उच्चारण कराएंगे, उसको हैं उसको सिखाएंगे अपना कलमा उच्चारण करना, उसकी जो इसको नित्य नित्य को सिखाएंगे। इसलिए देखना वो धर्म का प्रति कितने उनकी निष्ठा है, कितने धर्म का प्रति हैं। कुरान पुराण आता है, लेकिन हमें हिंदू बच्चों को कोई श्लोक पूछो गीता का, रामायण का कोई चौपाई पूछो, कोई याद नहीं, क्योंकि हम खुद ही, हमारे गुरु जी को किसी ने बोले, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, गुरु जी बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले अगर रामायण खुद पढ़ोगे नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, संस्कार कहाँ से आएगी, कहाँ पर बताया पिता माता की सेवा करो, रामायण कहता है भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण छूते थे, है कहते प्रात उठ हरि रघुनाथा अर मात पित गुरु नमई माता, ठाकुर सवेरे उठ कर क्या करते थे, अपना पिता माता की चरण छूते थे। रामायण देखे कि नहीं, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, सोई राम जाकर चरण की सेवा करते हैं, ये रामायण सिखाता है, पिता माता की आदेश को पालन करो, उनकी सेवा करो, उनकी बात को मानो, रामायण सुनाते हैं ना। इसलिए क्या करो, बच्चों को रामायण पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, पढ़ाई करें, उसको साथ साथ में भी भक्ति की संस्कार डालो, फिर घर क्या रहेगा, भगवान के धाम बन जाएगा घर तुम्हारे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है सबके सब। हाँ, भगवान के भजन, बाबा आप लोग बहुत भाग्य से गुजर घर में जन्म हुए हो, बहुत भाग्य से, ये कृष्ण की परिवार है तुम्हारे घर, हाँ कृष्ण का परिवार घर तुम्हारी है, बहुत भाग्य से जन्म लिए, इसलिए सबके सब भगवान की वंशधर बन जाओ सही सही रूप में, और भगवान की भक्ति करना, ठीक है। आप लोगों को मैं एक एक माला दे जाऊंगा, एक दो माला दे जाऊंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक दो माला दे जाऊंगा। बच्चों सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूना, छो के नहीं, अब छूते कि नहीं भैया, नहीं ये तो गड़बड़ी है ना, देखो ये चीज को समझो, ये आपके बच्चे हैं, हैं जैसे आप जो करोगे ना बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आप अगर सवेरे उठकर पिताजी के चरण छू रहे हो, माता जी के चरण छूते हो, हाँ मैं बताऊंगा। इसलिए अगर अगर चरण छूते हो ना, छूते हो, फिर ये बच्चे भी यही देखेंगे ना, देखेंगे नहीं मेरे पिताजी सवेरे उठ करके मेरे बाबा की चरण छूते थे, अपने आप संस्कार बनेगा, ठीक है ना। अभी अभी छो छो तो, हाँ इसलिए इसलिए देखो तुम भी इधर सुनो, तुम भी सवेरे उठ करके अपना सास ससुर की चरण छूनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों देखो ये बच्चे है ना, बच्चे को एक होता है प्रैक्टिकल, एक है थियोरिकल है, हैं अगर हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसे कोई हाँ नहीं नहीं छूनी चाहिए, हाँ हाँ करेंगे, इसलिए आप लोग करना, ठीक है माता जी। हाँ सवेरे उठ करके देखो पिता माता का आशीर्वाद से ना बच्चे फलते फूलते हैं, हैं पिता माता का आशीर्वाद से बच्चे फलते फूलते हैं,
इसलिए संस्कार आपसे ही पड़ेगा, ठीक है माता जी। इसलिए सब किसी को छूना, उनका आशीर्वाद होगा तो घर में फलते फूलते रहोगे, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगाना, ठीक है। और बैठे करके अगर आप भी माला जप करोगे ना, देखो कि बच्चे भी आपको देखेंगे ना माला जप करते हैं, ये भी अपने आप करेंगे। जैसे तुम माला लेकर बैठ जाओ, बच्चों का स्वभाव है मैया क्या कर रही है, मैया क्या कर रही है, अपने आप देखेगी, नहीं मेरी मैया करती थी हम भी करेंगे, हैं। इसलिए घर में भगवान भजन करो, भक्ति करो, ठीक है बच्चों। बच्चों का नियम बनाना, देखो देखो इधर सुना माता जी बोलना, एक माला जप करो, 5-7 मिनट का लगेगा। अब देखना जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अब खुद देख लेना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक माला जप करेगा ना, जो कृष्ण शब्द है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना। अगर तुम्हारी मन भटकता है कृष्ण नाम करो, मन तुम्हारी नहीं भटकेगा। देखना पढ़ाई को अंदर, बच्चों का पहले जितना पढ़ते थे एक एक माला कर देखना, इनकी पढ़ाई में नंबर अच्छा आएगा, तुम खुद देख लेना नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि ठाकुर का नाम भी इतने शक्ति है। कितना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम है, हैं, अच्छे संस्कार देता है भगवान का नाम, ठीक है भैया। हाँ जब तक ये एक माला नहीं करेंगे इनको तुम भोजन नहीं देना। हाँ नहीं, एक माला जब करना, क्यों पूजा तो करो बहुत अच्छी बात है, अब गुजर जाती है पूजा, लेकिन एक माला जब करना, क्यों कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय नाम बताया है, हैं, ये नाम है। और आप भी थोड़ा नजर रखना इनको, ये करते कि नहीं, ठीक है। तो तुमने माला की कि नहीं, ठीक है। और आप भी अपना पति को नजर रखना, पति भी आपको नजर रखेंगे, ठीक है माता जी। हाँ सब दोनों दोनों को देखना। और जब जब हम इधर आएंगे ना, अगर अगर पहले तो इन्होंने हमको बुलाया, आगे अगर अगर धीरे धीरे होगा तो आपके घर में आप लोगों ने भागवत कथा रखाई था ना घर में। हाँ ये बाबा जी बहुत अच्छी बात, हाँ बंसी वाले बाबा जी, हाँ ये कौन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। देखो बड़े भाग्य से ना, जिस घर में कथा हो जाए ना, वो घर घर नहीं रहता है, वो घर भगवान की धाम बन जाती है। भागवत कथा सभी नहीं करा सकते हैं, कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम, बहुत जन्म समर जितना करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से कोई ये भागवत कथा रखा सकते हैं, ये मत समझो वैसे करा दिया, बहुत जन्म का कोई पुण्य था आपकी जिस वजह से कथा हुई है, ये साधारण मत समझो, हैं। ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं करोड़ जन्म का पुण्य से, और भागवत कथा हो ना, ये पूर्वजों का जो मुक्ति है ना, केवल कथा से ही होती है। अब भागवत की महिमा में बताए, जब धुंधुकारी मरे उसका नाम पर गया मैं पिंड दिया, देखा तभी शांति नहीं मिली, प्रेत होकर बैठा हुआ, बोले एक बार क्यों 100 बार भी दो कि मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति हुई कथा से ही। एक होता है पूर्व कहते एक होता है जो हाँ पितृदोष, एक होता है हाँ पितर दोष है। अब देखना पितर दोष अगर रहे ना, फिर घर में जो कुछ हो घर में शांति सुख नहीं होता था, क्योंकि पितर लोग तुम्हारी दुखी है, शांति सुख घर में नहीं होता है। लेकिन पितरों का उद्धार कैसे होता है, भागवत से, हाँ भागवत से हो जाती है, पितरों का उद्धार भागवत से होती है। इसलिए समझो आपके घर में कथा हुई, समझो आप बहुत पुण्यात्मा है, बहुत भाग्य से आपने ये घर में कथा कराई, हैं, बड़े भाग्य से कथा कराई। इसलिए अच्छी बात, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेगा, आप जो काम करेंगे बच्चे भी वही चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। हाँ अपना घर भगवान का धाम बना जाए। ये जो माला है ना आपको, ये नीम की माला है, इसमें हरिनाम करते रहना, अगर कभी करते करते हम कभी दोबारा आऊँगा तो देखेंगे।